तुझे देखा तो ये जाना सनम। नमस्कार, मैं हूं पंकज केसरी। मैं अपनी फिल्मी सफरनामा की बात करूं तो हम पटना से आए रही बॉम्बे पढ़ाई करे खातिर। यहाँ मीठीबाई कॉलेज में हम पढ़त रहीं, तो पढ़त एक चैनल का ऑडिशन देनी और चैनल पे सेलेक्ट हो गई रहीं और एज अ वीजे हम काम करते रही चैनल पे। एक डेढ़ साल तक हम चैनल पे काम करनी। ओकर बाद वीनस के हवन चंपक जैन जी तो एक फिल्म बनावत रहन माई के बिटवा, तो पहले हमरा भोजपुरी ना करे करे तो चंपक जी कलन के चला शूटिंग देख के आवल जाओ। बड़ौदा में शूटिंग चलत रहे तो हम लोग शूटिंग में गई, तो वहाँ साधना सिंह जी जो एक्ट्रेस बाड़ी बहुत भोजपुरी के बेटर एक्ट्रेस नदिया के पार के हीरोइन जो रही, वो कल की इस लड़के को भोजपुरी में काम कराइए, भोजपुरी फेस है। तो चंपक जी कहेंगे भोजपुरी फिल्म कर लो, लेकिन हम तो आइए हिंदी फिल्म के हीरो बने। तो बोले नहीं सर, मैं भोजपुरी नहीं करना चाहता हूँ। बोले नहीं, तुम भोजपुरी करोगे और तुम्हारी भोजपुरी मातृभाषा है, तुम बिहार को तुम्हें करना चाहिए। तो एक गेस्ट एक्सपीरियंस में अकेले रही और लकली वो बहुत लोग पसंद के उस गेस्ट एक्सपीरियंस के। ओकरा साथे साथे हमरा मिल गई हमार घरवाली, जैमे रवि कृष्ण जी रहन, रिंकू घोष जी रही और हम रही, और वो में सब लोग के काम पसंद आयल। ओकरा पहली सोलो फिल्म हमरा मिलल बकलोल दुल्हा, जैमे भोजपुरी के बहुत बड़े स्टार रही रानी चैटर्जी जी, ओमें हमारा डबल रोल रहे। और लकली वो पिक्चर बहुत पसंद आयल बिहार में लोगन के, गाना बड़ा चलल फिल्म के, तो वहाँ से हमर भोजपुरी के जो फिल्मी सफरनामा बा शुरू भइल। ओकरा विधाता आयल, परिवार आयल, रंग दे बसंती चोला, तेजाब बाहा खिलाड़ी बा, बहुत सारी फिल्में कहनी। और रउआ लोग के सपोर्ट मिलल, रउआ लोग के प्यार मिलल, और रउे लोग के वजह से आज हम यहाँ बानी और रउआ लोग के एंटरटेन करता नहीं। और आजकल थोड़ा हम तेलुगू में भी काम करता नहीं, तेलुगू में भी काफ़ी फिल्म चलाता, तेलुगू में, तमिल में। तो हमारा गर्व है कि हम भोजपुरी के पहला एक्टर हैं जो तेलुगू में जाके काम करनी है। बाद में रवि भैया भी करता वहाँ पर, रवि कृष्ण जी भी 3-4 फिल्में खेला तेलुगू में, तो अच्छा लगा था। वो भी अभी भी भोजपुरी को हमारे रिलीज होके वाला बस सड़क छाप जो रउआ लोग देखब, तो काफ़ी फिल्म हो गई भोजपुरी में। और आगे भी उम्मीद बा कि भोजपुरी अपन मातृभाषा बा, और तो भोजपुरी करना छोड़ब ना, भोजपुरी करे के पड़े, भोजपुरी करब। फैमिली सपोर्ट के तब सबसे पहले हम अपन धन्यवाद कर अपन बाबू जी के, जो अब स्वर्गीय हो गए बड़ा हमारे बाबू जी श्री सुदामा प्रसाद केसरी जी। अगर वो ना रहतन तो हम शायद रउआ सामने खड़ा ना हो पाती, क्या कि उनके आशीर्वाद से, उनके सपोर्ट से हम बॉम्बे आईनी, बॉम्बे में पढ़ाई करनी। और पापा बड़ा नाराज भेलन कि तुम CS करने गया था, भोजपुरी फिल्में कर रहे हो, फिल्में कर रहे हो। तो पापा फिर समझ में आएलन कि ना लड़का ठीक करा था, तो फिर हर एक महीना हमारा पैसा आवत रहे, उतना स्ट्रगल करे ना पड़ल। पापा ऑफिसर रहन तो उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहे और उनका आशीर्वाद रहे कि आज, और बड़ा खुश होत रहन पापा हमारे कि भोजपुरी फिल्म करा था तो अच्छा करा था। फिर हमारे भाई जब भाई अफ्रीका में हवन तो उनका भी बहुत सपोर्ट मिलल। मोरल सपोर्ट बहुत ज़रूरी हो खेला कि एक अभिनेता बनना बहुत परिश्रम, बहुत कठिन तपस्या है एक अभिनेता बनना, तो अगर फैमिली सपोर्ट ना हुई तो बड़ा मुश्किल बा। तो हम बड़ा लकी रही, भगवान के बड़ा आशीर्वाद रहे कि हमारे बाबूजी के बड़ा सपोर्ट मिलल, हमारे भाई सब के बड़ा सपोर्ट मिलल, पूरा फैमिली सपोर्ट करेला, आज भी करेला। और आज भी कभी कोई पिक्चर फ्लॉप हो जाला थोड़ा हम उदास रहना तो भैया के फ़ोन आवेला, ना भाई कोई बात ना, आगे पीछे चली, आगे पीछे कर, मेहनत कर और मेहनत के फल जरूर मिली। कैमरा जहाँ तक फेस करके बात तो बचपन में जब लोग फिल्म देखत रहे तो बड़ा आसान लगत रहे कि अमिताभ बच्चन जी के देखत रहे या कुणाल भैया के देखत रहे भोजपुरी में, तो बड़ा अच्छा लगत रहे कि भैया बड़ा आसान हो खेला। लेकिन हमरा याद बा कि जब हम पहली बार कैमरा फेस खेले रहे फीचर फिल्म के और फिल्म करे जात रहे तो माई के बिटवा रहे पिक्चर, वीनस के पिक्चर रहे और भोजपुरी के वेटरन एक्ट्रेस साधना सिंह जी हमारा सामने रहे और गाना चलत रहे, गाना के शूटिंग होते रहे, गुंजन पंत जी रही हमारा साथियों में, तो पसीना और बहुत गर्मी रहे। बड़ौदा में हमने के शूट करते रहे जहाँ राजपिपला में, तो बड़ा गर्मी रहे और पसीना ऐसे तो गर्मी से आते रहे, दुगना पसीना आते रहे साधना जी के देख के, क्योंकि बचपन में उनका पिक्चर इतना बार देख ले रही जहाँ नदिया के पार और सामने साक्षात खड़ा रही हो, तो बड़ा अजीब सा लगा था कि कैसे का हुई। और डांस मास्टर जी डांस स्टेप रहे तो जितना मेकअप लगा होते रहे जहाँ वो बह जाते रहे, इतना डर के मारे पसीना आते रहे अंदर से और गर्मी तो रह ले रहे। तो साधना जी ली कि देखी कहली कि देखो सब लोग ने पहली बार कैमरा फेस किया है, तुम नए नहीं हो, डरो मत, तुम कर सकते हो और करोगे। तो एक अजीब सा अंदर से एक मोटिवेशन आई जो मोटिवेट के लिए हमरा के एक अंदर से कॉन्फिडेंस आई, और लकली भगवान के कृपा से दूसरा रिटेक में शॉर्ट होके हो गए और बड़ा मज़ा आई। ओकरा बाद फिर कॉन्फिडेंस आ गया कि ना जब सबको ही कर सकेला तो हमने के भी कर सके ना जा, बस यही बाकी कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी बा, ओवर कॉन्फिडेंस ना हो के चाहिए, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी हो खेला। तो पहला एक्सपीरियंस हमारा कैमरा फेस करके ही रहे।
रही बात इंस्पिरेशन के, तो इंस्पिरेशन हमरा भइल अमिताभ बच्चन जी से, जे सब लोग के इंस्पायर करेलन और हम भी उनकर से इंस्पायर्ड बानी, काहे कि बचपन से उनकर फिल्म देखत आवत बानी और उनका जैसा एक्टर शायद ही कोई होई आगे, हमरा नहीं लागत कि कोई होई। तो बचपन से एक एक चीज़ उनकर, एक एक डायलॉग डिलीवरी, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनकर मतलब हर एक चीज़ के दीवाना बानी हम। ओकरा बाद अगर हम इंस्पायर्ड बनी तो शाहरुख खान जी से, तो शाहरुख खान का है कि मोस्ट रोमांटिक हीरो, तो लड़कियन के कैसे रिझावल जाला, तो शाहरुख खान से बेटर कोई ना जानेला। तो बच्चन साहब एक्शन में और रोमांटिक में शाहरुख खान जी, और भोजपुरी में अगर हम इंस्पायर्ड माने तो रवि किशन जी से, काहे कि वो दोनों के मिक्सर हवन, मिथुन चक्रवर्ती के भी मिक्सर हवन, बच्चन साहब के भी मिक्सर हवन। तो बच्चन साहब के तो डायलॉग रवा लोग जानते हवानी, जग जग में जाहिर, भाई ऐ साला रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। तो ये तो खैर जग जाहिर बा। और शाहरुख खान जी तो लाइक शाहरुख खान जी का जी ये जो रोमांटिक अंदाज बा, तो ये सब जाने ला कि एक अंदाज पे तुझे देखा तो ये तो बस कोशिश करी ना कि वो उनकर कॉपी ना करी, लेकिन उनका से अलग हट के कुछ करके कोशिश करें, मिक्सचर करके कुछ उनसे इंस्पायर्ड होके और रवा लोग के इंटरटेनमेंट दी। और शायद कुछ फिल्में भी कहीं नहीं यहाँ रवा लोग पकड़ ले हो, कब आगे भी कोशिश रही कि बहुत वेटरन एक्टर बन लोग। तो भोजपुरी में रवि भैया और हिंदी में अमिताभ बच्चन जी और शाहरुख खान जी। रही बात फैंस की, तो हम एक्टर के लिए फैंस बहुत ज़रूरी है, अगर फैंस नहीं हो तो हम एक्टर का कोई भी साथ नहीं है, क्योंकि फैंस ही सब कुछ है हमारे लिए, माँ बाप है हमारे लिए, भगवान है, सब कुछ है। और मेरे लिए भी एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट है फैंस का, कि मैं बक्सर में शूटिंग कर रहा था एक फिल्म का, तो एक लड़की डेली शूटिंग पे आती थी तो और हमेशा वो शूटिंग प्रॉपर देखती थी और सुबह से शाम तक रहती थी सेट पे। तो एक दिन अचानक क्या हुआ कि चार दिन बाद मेरा बॉय जो मेरा असिस्टेंट होता है वो सेट पे एक मेरे लिए लेटर लेके आया कि पंकज केसरी आई लव यू एंड ऑल एवरीथिंग। मैं हैरान था क्योंकि वो खून से लिखा हुआ लेटर था। मैं बोला किसने दिया? बोला सर वो लड़की ने दिया। तो मैं हैरान था कि 17-18 साल की लड़की और वो ब्लड से लेटर लिख के लाया। मैं तो मैं बड़ा परेशान हो गया कि यार ये उम्र नहीं है, इस उम्र पर उम्र में पागलपन अच्छा नहीं है। तो मैंने उनको बुलाया कि देखिए लेटर लिखना अच्छी बात है, लेकिन ये खून से लिखना बहुत गलत बात है। आप हमारे फ़ैन हैं और मैं एक्टर हूँ और आप मुझे प्यार करती हैं, लेकिन ये प्यार अलग है, एक एक्टर और फैंस का प्यार है। तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट भी हुए हैं। और बिहार में तो शूटिंग करने में आदमी पागल हो जाता है, इतने लोग घेर लेते हैं आपको शूटिंग के टाइम में, लगता है कि हाँ आपने वाकई में कुछ ज़िंदगी में अचीव किया है। और अगर जो कुछ भी हूँ मैं आज, रवा लोगों के खातिर बानी, रवा लोगों के वजह से बानी, अगर फैंस नहीं है तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। तो मैं सबसे पहले अपने फैंस को प्रणाम करूँगा कि जैसा सपोर्ट, जैसा प्यार रवा लोग पहले दे ले रही जा, आगे भी दी, और रवा लोग के दंडवत प्रणाम बा। पसंदीदा एक्ट्रेस, तो बड़ा डिप्लोमेटिक क्वेश्चन भी और आंसर भी डिप्लोमेटिक होना चाहिए, लेकिन मैं एक्टर के साथ साथ दर्शक भी हूँ। और बींग अ दर्शक, मेरी अगर पसंदीदा एक्ट्रेस है तो रानी चटर्जी है, मैं उनके एक्टिंग का कायल हूँ। और उसके बाद पाखी हेगड़े जी, क्योंकि दोनों के साथ मैंने काफ़ी काम किया है। और लेकिन पाखी जी के अपोजिट मैंने सिर्फ एक ही फिल्म करी है, लेकिन रानी जी के साथ मैंने 5-6 फिल्में करी है। और मेरी पहली सोलो हिट भी रानी चटर्जी जी के साथ था, बकलोल दूल्हा। तो मेरी पसंदीदा एक्ट्रेस रानी चटर्जी हैं, हार्डकोर कमर्शियल मास हीरोइन, जिनको मैं बहुत एडमायर करता हूँ, और मेरी पसंदीदा एक्ट्रेस हैं वो रानी चटर्जी। कोरियोग्राफर, डांस मास्टर, वैसे तो सबके साथ मैंने काम किया है, लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा नचाया है वो हैं पप्पू मास्टर जी, पप्पू खन्ना जी, उनके साथ मैंने काफ़ी फिल्में करी। उसके बाद कानूदा, कानू मुखर्जी जी एंड रिक्की मास्टर जी। तो लेकिन मेरी जो ट्यूनिंग बहुत अच्छी है वो पप्पू खन्ना जी से है, जिनके साथ वो मेरी खामियों को समझते, क्योंकि मैं बहुत अच्छा डांसर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ गुड डांसर, बट मैं डांस कर लेता हूँ। तो पप्पू जी को मालूम है कि ये बंदा डांस कैसा करता है, उसको कैसे स्टेप्स देने चाहिए। उनके साथ मैंने स्टेज परफॉर्म भी बहुत किया है, बहुत सारे अवार्ड शो किए हैं। तो पप्पू खन्ना जी मेरे वन ऑफ द फेवरेट डांस मास्टर जी हैं। उसके बाद मैं पसंद करता हूँ रिक्की मास्टर जी को, जेम्स जी को एंड कानूदा, जो मेरे ऑल टाइम फेवरेट डांस मास्टर में से हैं। रही बात डायरेक्टर की, तो डायरेक्टर तो ऑलमोस्ट मैंने सबके साथ काम किया है, लेकिन मुझे जो बहुत पसंद आया जिनके साथ मुझे काम करना, वो है असलम शेख जी, जिनके साथ मैंने परिवार की थी और मेरे दिल की बड़ी करीब की फिल्म है परिवार। अभय सिन्हा जी प्रोड्यूसर थे उसके, तो असलम जी के साथ काम करके बहुत मज़ा आया। और राजकुमार पांडे जी, जिनके साथ मैंने अभी हाल में एक फिल्म करी है खून भरी मांग, मैं हूँ खेसारी लाल यादव जी हैं। तो राज भैया भी बहुत सेंसिबल डायरेक्टर हैं और बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। और अभी एक मैं फिल्म करने जा रहा हूँ रंगीला राजकुमार,
जिसके डायरेक्टर हैं गुलशन राजा, गुलशन आरली, उनसे भी मुझे बड़ी उम्मीदें हैं क्योंकि वो बड़े सेंसेबल और उनकी म्यूज़िक पे बहुत अच्छी पकड़ है, स्क्रिप्ट पे बहुत अच्छी पकड़ है, तो मुझे लगता है कि वो भी वन ऑफ द फेवरेट डायरेक्टर में से होंगे मेरे। वो पंकज जी के साथ मेरी पिक्चर रिलीज होने जा रही है सड़क छा, उसका मैं एज ए प्रोड्यूसर हूँ। दूसरी पिक्चर में कर रहा हूँ उनको लेकर रंगीला राजकुमार, जिसका मैं डायरेक्टर हूँ प्रोड्यूसर हूँ। उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, मेरे साथ अच्छे से काम करते हैं, बहुत अच्छे हैं, अब इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। थैंक यू। रही बात अवार्ड की, तो अवार्ड मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि कुछ अवार्ड्स मुझे भी मिले हैं। जैसे इस बार भी विश्व भोजपुरी महोत्सव में मुझे शिवपाल यादव जी ने यूपी में अवार्ड दिया, और गढ़ा महोत्सव में मुझे अवार्ड मिला भोजपुरी सीजन का, लखनऊ में अवार्ड मिला, यहाँ विनोद गुप्ता जी ने अवार्ड दिया, तो काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं। और अवार्ड बहुत अच्छा होता है कि एक्ट्रेस के लिए कि बहुत प्रोत्साहित होते हैं कि अपना जो काम करें उसके बदले उनको कुछ तो मिल रहा है, कि लोगों को काम पसंद आ रहा है, और इसमें बड़ी एनर्जी मिलती है कि अच्छा मुझे और अच्छा काम करना है, और अच्छा काम करना, अपने से कॉम्पिटिशन की भावना और बढ़ती है। लेकिन आजकल कुछ अवार्ड शो मैं बोलना नहीं चाहूँगा, कुछ बिजनेस भी बना दिया है, रेवड़ियाँ बांटी जा रही है, तो सब जगह है, सारी इंडस्ट्री में है। लेकिन खुशी होती है कि अगर अवार्ड मिले आपको, अपने काम का प्रोत्साहन मिले, तो बहुत खुशी की बात है। जहाँ तक बात है फिल्मों में राजनीति की, तो सारी इंडस्ट्री में है, लेकिन हमारे इंडस्ट्री में ज़्यादा है, यानी भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। कास्टिज्म है, राजनीति ऐसी है कि आप चमचाई कीजिए, जाके ऑफिस में बैठिए, प्रोड्यूसर डायरेक्टर आपके भाग्य विधेता बन जाते हैं, और एक लॉबी बन जाती है, जो कि अच्छी बात नहीं है। टैलेंट की कदर नहीं है, अगर आपने चमचाई किया, चमचागिरी करी, और फिर आपको लोग सराहते हैं, आपको बार बार फिल्में देंगे, आप अपने कुछ चमचे पाल के रखिए, जो इंडस्ट्री में आप ही जाके तारीफ़ करते रहें कि अरे उसकी फिल्म नहीं चल रही है, उसकी फिल्म चल रही है, वो फिल्म भले ही वो फिल्म फ्लॉप हो, लेकिन वो फिल्म सारी फिल्में सुपर हिट होती है यहाँ पे, लेकिन उस प्रोड्यूसर को जाके पूछिए कि उसके कैसे कितने पैसे रिकवर हुए हैं। तो और कुछ लोग खास, कुछ खास लोग हैं जो कि कुछ खास लोगों के लिए काम कर रहे हैं और सारी फिल्में सुपर हिट होती है, लेकिन अगर ज़मीनी लेवल पर जाके देखेंगे तो पैसे कहीं नहीं हैं। और राजनीति की बात है तो ये अच्छी बात नहीं है इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि बहुत छोटी इंडस्ट्री है, और अगर हम आपस में राजनीति करेंगे, आपस में एक रूपता होनी चाहिए, भाईचारा होनी चाहिए, ताकि इंडस्ट्री को देखिए। आज हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री करीबन 30-32 करोड़ भाषी हैं जो लोग भोजपुरी बोलते हैं, पूरे देश विदेश में हैं। और एक तेलुगु की बात करता हूँ मैं, तमिल की बात करता हूँ, 8 करोड़ 10 करोड़ की आबादी है, लेकिन वहाँ 200 करोड़ की फिल्में बन रही है, 250 करोड़ की फिल्में बन रही है, लेकिन आज भी हम 2-2.5 करोड़ मैक्सिमम जा पाए हैं 40 लाख 50 लाख में, क्योंकि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन इतनी ज़्यादा राजनीति है, सब जगह राजनीति है, डिस्ट्रीब्यूशन में राजनीति है। कोई अच्छा प्रोड्यूसर अगर आना चाहे फिल्मों में, फिल्म बनाना चाहे, तो उसको पैसे रिकवर नहीं हो पाते हैं, लोग पैसे नहीं देते हैं, तो बड़ा मुश्किल है भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे आना। मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी राजनीति छोड़े, इंडस्ट्री के लिए काम करें, भोजपुरी के लिए काम करें, ताकि भोजपुरी इंडस्ट्री आगे बढ़े, फले फूले, क्योंकि बहुत प्यारा इंडस्ट्री है, और राजनीति से ऊपर उठ के काम करें, क्योंकि भोजपुरी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है सर, अगर आप लोग अच्छा काम करेंगे। और हम कुछ एक्टर्स की भी बात करते हैं कि अपनी लॉबी को बनाना छोड़ें, लॉबी से काम नहीं चलता, भोजपुरी फिल्में अच्छी बनाएं। अगर आपकी फिल्म अच्छी है, दर्शक आपको पसंद करेंगे, दर्शक आपको आगे लेके जाएंगे, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अच्छा काम करें, राजनीति ना करें। रही बात कॉम्पिटिशन की, तो पहले भी बहुत कॉम्पिटिशन था हमारे इस भोजपुरी इंडस्ट्री में, और सारे इंडस्ट्री में कॉम्पिटिशन होता है, लेकिन कॉम्पिटिशन में यही बोलूँगा कि कॉम्पिटिशन हेल्दी होना चाहिए, उसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, और लॉबिंग नहीं होनी चाहिए कि आप बेवजह गंदी राजनीति करके आप कॉम्पिटिशन कर रहे हो, किसी को नीचा दिखा रहे हो, और अपने आप को ऊँचा दिखाने के लिए सामने वाले को नीचा दिखा रहे हो। आज वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, आज कुछ थोड़ा ज़्यादा डटी कॉम्पिटिशन हो रहा है, पहले ऐसा नहीं था। मैं चाहूँगा कि कॉम्पिटिशन हो, लेकिन हेल्दी हो, और एक क्योंकि कॉम्पिटिशन नहीं हुआ तो मज़ा नहीं आएगा, लेकिन सामने अपनी आपको उठाने के लिए सामने वाले को गंदगी की वजह से गंदगी करके ना गिराएं, हेल्दी कॉम्पिटिशन रखें जी। प्यार, प्यार एक बड़ी सुखद अनुभूति है, दुनिया का हर एक इंसान को प्यार होता है कभी ना कभी, कहीं ना कहीं मुझे भी हुआ था, बड़ा अच्छा था, 4 साल का अफेयर था मेरा, लेकिन वो ब्रेकअप हो गया था। उस अफेयर के टाइम ही मैं संगीत भोजपुरी पे, आप लोगों के चैनल पे, हमारे चैनल पे एक वैलेंटाइन डे का एक शो भी किया था हमने, लेकिन वो अब मेरे साथ नहीं है। और सबकी ज़िंदगी में होता है, आता है प्यार, आता है प्यार जाता है, लेकिन मैं यही चाहूँगा कि जिसको भी प्यार हो और जिससे भी आप प्यार करें, बिना स्वार्थ के करें,
क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज़ है जो बिना स्वार्थ के करे तो बहुत मज़ा आएगा, चाहे वो लड़का करे या लड़की करे। मैंने भी प्यार किया है, तो बिना स्वार्थ का प्यार बहुत अच्छा होता है। और प्यार दिल से करें, और अगर आपको किसी से प्यार है या रउआ लोग किसी से प्यार करता नहीं, तो फिर सामने वाला के धोखा मत दें, क्योंकि प्यार में धोखा ठीक ना लगेगा और प्यार में धोखा बर्दाश्त ना होखेला। तो प्यार करी, दिल से करी, प्यार से करी, और प्यार बहुत अच्छी चीज़ है। फुर्सत के पलों में मैं घर पे बैठ कर टीवी देखता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ, और घर पे मुझे रहना अच्छा लगता है। जब शूटिंग नहीं हो तो घर में थोड़ा सुकून मिलता है, शांति मिलती है। और टीवी इसलिए देखता हूँ कि ताकि देश दुनिया से कनेक्ट रहूँ, न्यूज़ देखता हूँ ताकि बड़े नॉलेज मिलते हैं कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। हमारा संगीत भोजपुरी है वो देखता हूँ ताकि मुझे ये न्यूज़ मिले कि कौन कौन सी फिल्म बन रही है और कैसे कैसे फिल्में आ रहे हैं, उनके नए गाने क्या हैं, ताकि कंपटीशन बना रहा है कि देखता हूँ कि जो नए नए हीरोज़ आ रहे हैं, बाकी जो हीरोज़ हैं कैसा गाना कर रहे हैं और हीरोइंस क्या काम कर रही हैं, क्या कॉस्ट्यूम पहन रहे हैं। तो बड़ा मदद मिलता है इससे, और कनेक्ट रहने में ताकि अपने प्रोफेशन में फ़ायदा हो। और न्यूज़ से कनेक्ट करने में इससे फ़ायदा होता है कि ताकि देश दुनिया में क्या हो रहा है, राजनीति में क्या हो रही है, हमारे नेता लोग क्या कर रहे हैं। और रही बात बुक, तो बुक पढ़ना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको अपनी यू नो आत्मसंतुष्टि मिलती है। आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं से अंदर से आप एक आध्यात्मिक की ओर जा रहे हैं। मैं कुछ आध्यात्मिक बुक्स भी पढ़ता हूँ और कुछ ट्रैवल बुक्स पढ़ता हूँ, ताकि मैं देश दुनिया में घूमूँ, ट्रैवल करूँ, तो क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें देखता हूँ मैं। और ख़ासकर मैं फुर्सत के पलों में ट्रैवल एक्सपी देखता हूँ, ताकि मुझे घूमने का भी शौक़ है, तो मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, क्योंकि सारी डेस्टिनेशन वो दिखाता है। आज ही मैं देख रहा था, जैसे वो सिक्किम दिखा रहे थे, सिक्किम के खाने क्या है, सिक्किम के कौन से होटल्स अच्छे हैं, सिक्किम के रोड्स कैसे हैं, वहाँ का कल्चर क्या है, तो बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलता है। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी देखिए ट्रैवल एक्सपी, ताकि आप लोग भी घर बैठे वो सारे नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, देश में कहाँ है, कौन कौन सा शहर ऐसा है, कौन कौन सा कहाँ का कल्चर क्या है, कहाँ का खाना कैसा है, विदेशों का कल्चर क्या है। तो अभी उस जैसा मैं नॉलेज प्राप्त करता हूँ, अभी नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। हेल्थ के बारे में यही कहा कि जान हत जान हा, तो स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक होना जरूरी बा। कम से कम 35 मिनट वॉक, अगर रउआ लोग जिम जाए ना तो जिम जाएँ, ना तो घर पे भी व्यायाम कर सकें ना, योगा कर सकें ना, बहुत ज़रूरी बा। खान पान पर ध्यान रखें, तेल मसाला कम खाएँ, घी कम खाएँ, क्योंकि स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी बा। हम लोग भी ध्यान रखें ना, 35 मिनट वॉक करें ना, शूटिंग पे रहना तो शूटिंग पे, जिम जाके मौका ना मिला तो घर पे भी कभी घर पे भी वर्कआउट कर लेना, घर पे भी डंबल्स मार लेना, पुशअप मार लेना, और जब टाइम मिलेगा तो जिम चले जाना, 2 घंटा जिम में जाके वर्कआउट करना, योगा करना, और शूटिंग पे जब होटल मिला तो होटल में भी पुशअप कर लेना। तो बहुत ज़रूरी बात खान पान पे ध्यान रखना, और अपना वॉक के ध्यान रखना, व्यायाम के ध्यान रखना, एक्सरसाइज के ध्यान रखना, तो रउआ लोग भी ध्यान रखें। रही बात खाए पिए में तो यही कुल बाकी हम दाल चावल आलू की भुजिया भरता, शुद्ध बिहार यूपी के जो भोजन हो खेला वही करीना, बॉइल्ड चिकन, बॉइल्ड फिश, काहे कि तेल और मसाला पे बड़ा कंट्रोल रखीना। और रउआ लोग भी रखी, तेल और मसाला ज़्यादा खाए की जरूरत नहीं, खे सात्विक भोजन करी और उच्च विचार रखी, यही ज़िंदगी की फिलोसफी बा, यही ज़िंदगी के विचार बा, यही ज़िंदगी के मंत्र बा, स्वस्थ ज़िंदगी के तो जान बा तो जहान बा। पायरेसी बहुत किल कराता इंडस्ट्री के, दीमक की तरह खोखला कर देवा इंडस्ट्री के। प्रोड्यूसर लोग इतना मुश्किल से पैसा लेके आवेलन लोग जा, जमीन बेच के कहाँ कहाँ से पैसा लेके आवेलन जा, लेकिन रउआ लोग के पायरेट सीडी 2 दिन में मिल जाला। और रउआ लोग अगर पायरेटेड सीडी देखब तो एक तो रउआ लोग के मज़ा ना आई, क्या कि वो सीडी ठीक ना होखेला, क्वालिटी ठीक ना होखेला। रउआ लोग हॉल में जाए, हॉल में जाके पिक्चर देखी, ताकि भोजपुरी इंडस्ट्री बढ़ो, भोजपुरी इंडस्ट्री में रेवेन्यू आओ, और ताकि हम लोग भी रउआ लोग के 10 करोड़ 20 करोड़ की फिल्म बना के रउआ लोग के सामने लेके आई, और रउआ लोग के शुद्ध मनोरंजन दिया। अगर रउआ लोग थोड़ा सपोर्ट चाहिए, रउआ लोग को सपोर्ट करब, पायरेटेड सीडी के बहिष्कार करब, और पूरा तरीके से बहिष्कार करे के पड़े, ताकि जैसे तेलुगु लोग करेला, तमिल लोग करेला, ताकि आज देखे उन लोगों की इंडस्ट्री इतना बड़ा बा, लोग गर्व से बोले ना अमेरिका में, जापान में, सब जगह तेलुगु तमिल फिल्में रिलीज होखेला, वैसा भोजपुरी के सपोर्ट के चाहिए। रउआ लोग सपोर्ट करी भोजपुरी इंडस्ट्री के, बहिष्कार करी पायरेट सीडी के। बस अपने दर्शकों से मैं यही बोलूँगा कि जैसा आप लोग ने पहले प्यार दिया, वैसे एक बार फिर मुझे आपकी प्यार की ज़रूरत है। मैं वापस कमबैक कर रहा हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी फिल्म सड़क छाप के साथ, तो मैं चाहूँगा कि आप अपना दर्शक जो हैं हमारे उतना ही प्यार दें और अच्छी फिल्मों को प्यार दें। मैं तो मेरी फिल्मों को तो प्यार दें ही, और अच्छी फिल्मों को भी प्यार दें, ताकि इंडस्ट्री बहुत बड़ी बने, क्योंकि इंडस्ट्री को बहुत ज़रूरत है राव लोगों के प्यार के, राव लोगों के आशीर्वाद के। तो हम चाहब कि रउआ लोग जैसे पहले भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत ससुरा बड़ा पैसे वाला के साथ पिक्चर के बहुत आगे लेके नहीं जाए इंडस्ट्री के, पूरा देश दुनिया में भोजपुरी इंडस्ट्री के नाम हो गए, तो वैसा ही नाम फिर एक बार चाहें भोजपुरी इंडस्ट्री के, ताकि कि अभी थोड़ा सा जो असर गिरल बा
और रउआ लोग से एक भी और रिक्वेस्ट करब कि थोड़ा अश्लीलता के रउआ लोग भी हम चाहब कि थोड़ा सा बहिष्कार करी, कि बहुत ज़्यादा अश्लील हो गए बा भोजपुरी इंडस्ट्री के कुछ फिल्में, कुछ लोग तो वैसन फिल्मों के बहिष्कार करके अच्छी फिल्मों के सपोर्ट करी, ताकि लोग अच्छी फिल्में बनावस, अच्छा फिल्म शुद्ध मनोरंजन लेके आवस रउआ लोग के सामने, और रउआ लोग शुद्ध मनोरंजन फिल्मों के सपोर्ट करी ताकि भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़े।